नमस्कार वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। LIC ने लॉन्च कर दिया अपना जबरदस्त प्रोडक्ट जो कि मार्केट में बहुत तेजी से सेल हो रहा है। दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम है LIC जीवन उत्सव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 10% की गारंटीड, दोस्तों मैंने कहा गारंटीड, इसको ध्यान से सुनिए, गारंटीड, कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है दोस्तों, गारंटीड गवर्नमेंट की गारंटी के साथ में आपको रिटर्न दी जाएगी। मिनिमम टर्म, शॉर्ट टर्म है, 5 साल तक आपने पैसे जमा करने हैं और उम्र भर, जिंदगी भर, पहले बोलते थे मरने के बाद ही पैसे मिलते, नहीं दोस्तों यहां पर आपको आपके जीते जी ही पैसे मिलने चालू हो जाएंगे जो कि जिंदगी भर मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा, यानी कि जितना पैसा आपने जमा किया उसका 7 गुना ज्यादा पैसा आपको दिया जाएगा। जिंदगी भर का लाइफ इंश्योरेंस है। मैंने बताया शेयर मार्केट का प्लान नहीं है, एज लिमिट नहीं है, छोटे बच्चों से लेकर 65 साल के व्यक्ति को यह प्लान आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक रेगुलर इनकम है, गारंटीड है। देखिए इस चीज को ऐसे समझते हैं, आप FD कराते हैं, ठीक है, FD आपने कराया, इस बार 10 साल के बाद में FD से पैसा मिलेगा, ठीक है, उसके बाद दोबारा वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना, तो उस समय जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले टॉपिक को ध्यान समझिएगा। देखिए सन 1999 जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 2013 में क्या था वो चेक कर सकते हैं। 2023 में क्या है वो भी आप खुद चेक कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि 2043 में या 2053 में मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, या फिर 2093 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। दोस्तों यहां पर एक लौता ये प्लान है और जीवन उमंग भी है जिसके अंदर आपको गारंटेड रिटर्न दी जाती है। दोस्तों अभी 10% मिल रहा है, 2053 में 10% मिलेगा, 63 में मिलेगा, 93 में 10% मिलेगा, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको 10% का गारंटेड रिटर्न दिया जाएगा, उम्र भर, जिंदगी भर, गारंटेड बॉन्ड पेपर में लिख के आपको ये चीज दी जाएगी। दोस्तों इससे बेहतर प्लान मार्केट में और कोई कंपनी नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस बेहतरीन प्लान को वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और एग्जांपल भी दूंगा साथ में मैं आपको। 2500 रुपये आपने देने, ठीक है, और 50,000 रुपये गारंटेड इनकम आपको उम्र भर मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये आपने महीने के देने हैं और 1,00,000 रुपये गारंटेड इनकम आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। आप कितना भी पैसा, देखिए ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दूँ। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कि आपको कल कोई प्लान बंद करना है तो जो पैसे आपने जमा किए वो पूरे के पूरे आपको वापस हो जाएंगे। बट मैं ऐसा समझता हूँ दोस्तों कि 10% का ये गारंटेड रिटर्न जो आपको दिया जा रहा है, आप कभी इस प्लान को बंद नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लान की एलिजिबिलिटी की। देखिए यहाँ पर 90 दिनों के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है। लास्ट एज ऑफ मैच्योरिटी 75 सालों की होगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सम एश्योर्ड होगा वो मिनिमम 5,00,000 से स्टार्ट है। जी हाँ, 5,00,000 का आपको जीवन बीमा लेना पड़ेगा। देखिए 5,00,000 रुपये आपको एक साथ नहीं देने हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ कि सम एश्योर्ड होता क्या है। सम एश्योर्ड एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा नंबर है जो कि आपके चले जाने के बाद में मिनिमम अमाउंट आपके परिवार को दिया जाएगा, तो दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर पेंशन लेने के 2 ऑप्शंस हैं। जैसा पहला हमने आपको बताया कि आपने यहां पर कुछ समय तक पैसे जमा करना है, जैसे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, जैसा आपको ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग आप प्लान ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आपकी पेंशन चालू होगी तो 10% का गारंटेड रिटर्न रहेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कई बार लोग कहते हैं यार मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पास रखिए, तो उस समय क्या फायदा उनको LIC देती है। देखिए अगर आपने बोला कि यार मुझे अब पेंशन चालू हो गई है बट मुझे पेंशन नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, तो यहां पर 5.5% का 5.5% का आपको गारंटीड आपको इसको एक्यूमुलेटेड बोनस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं, वो आपको हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहेगा, और कभी आपको पैसों की जरूरत है या फिर आप बोलते हैं मुझे इसमें से पैसे विड्रॉ करने हैं, तो उसमें से 75% पैसा आप अपना कभी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्लान के अंदर लोन भी आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई बैंक के चक्कर नहीं काटने, डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने, सिंपल सा तरीका है, बॉन्ड पेपर जाना है, सबमिट करना है, लोन का जो ब्याज रहेगा 9% का रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेथ कवर की। देखिए आपने अगर 10,00,000 रुपये का सम एश्योर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो वो आपको मिलना ही मिलना है, वो तो हमने बता दिया है, सम एश्योर का मतलब यही होता है। उसके साथ जितने साल का आपका बोनस जुड़ा हुआ है वो भी आपको साथ में दिया जाता है। दूसरा, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो उसका जो प्रीमियम उसने जमा किया उसका 7 गुना ज्यादा पैसा उनको दिया जाएगा, यानी कि ए दोनों ऑप्शंस में से जो ज्यादा पैसा होगा वो पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। अब यहां पर ये बात भी कर लेते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो उनको जो क्लेम है किस तरीके से दिया जाता है। देखिए मैच्योरिटी तो इसके अंदर है नहीं, बट डेथ क्लेम का जो ऑप्शन है आप चूज कर सकते हो, सेटलमेंट ऑप्शन बोलते हैं उसको, यहां पर आप उसको मंथली मोड में ले सकते हो, क्वार्टरली में ले सकते हो, ईयरली, हाफ ईयरली, इस तरीके से ले सकते हो, और 5 साल या 10 साल के गैप में भी वो सेटलमेंट पैसा जो है आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही चूज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
दोस्तों इसके अंदर गारंटेड, दोस्तों इसके अंदर गारंटेड एडिशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1000 रुपए को 40 रुपए का आंकड़ा दिया गया है। जी हाँ, जो गारंटेड है 1000 रुपए इक्वल्स टू 40 रुपीज। जी हाँ, ये जो गारंटेड एडिशन है वो जब तक आपका पीपीटी चलेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म चलेगा, जब तक आप भुगतान करते हैं उतने सालों तक ये अपने आप ऐड होता चला जाएगा। दोस्तों राइडर्स की बात करूं तो इस प्लान के अंदर 4 राइडर्स अवेलेबल है। एक है ADDB यानी एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अगर पॉलिसी होल्डर के साथ एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना हो गई है तो उनको एक्स्ट्रा धनराशि उनके परिवार को दी जाती है, या कि उनको डिसेबिलिटी हो गई है या किसी काम करने के लायक नहीं रहे हैं तो भी उनके परिवार को यहां से लाभ दिया जाता है। इसके बाद आता है टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब ये होता है कि पॉलिसी होल्डर के साथ एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना हो गई है तो उस समय भी उनको क्लेम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ ऐसी क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर हो गया है तो उसमें भी उनको सपोर्ट किया जाता है, और कोई ऐसी बीमारी बहुत क्रिटिकल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और ऑप्शन है, उसको बोलते हैं PWB राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। वो बच्चों की पॉलिसी में यूज़ किया जाता है। उसका मतलब ये होता है अगर प्रपोजर जो कि फादर, उनको कुछ भी हो जाता है तो उनके बच्चे के जो फीचर्स हैं, जो पॉलिसी के प्लान के फीचर्स हैं, एज इट चलते रहेंगे, सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। देखिए इसके अंदर टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा आपकी इनकम के ऊपर। कब? जब आप अपना पीपीटी टर्म 10 साल से ज्यादा का रखेंगे। अगर उससे कम रखेंगे, देखिए सम एश्योर्ड का 10% पैसा जो है उतना आपका साल का प्रीमियम जाना चाहिए। ये एक लॉजिकल रूल है, ये LIC का रूल नहीं है, ये आपके इनकम टैक्स का जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप 10 साल से ज़्यादा का टर्म रखेंगे पीपीटी, तो आपका जो इनकम है उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन पार्ट की तरफ, जहां पर हम बताएंगे कि 2500 रुपये आपने देने हैं, कैसे 50,000 रुपये आपको फिक्स गारंटी 10% का रिटर्न आपको दिया जाएगा, 5,000 रुपये जमा करने पे कैसे आपको गारंटेड रिटर्न दिया जाएगा 1,00,000 रुपये का, और 5 साल पैसे जमा करने के बाद में कितना पैसा आपको मिलता है, कितना लोन मिलता है, सरेंडर वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 भी बताएंगे, जैसे 10% तो आपको मिल ही रहा है वाली कैलकुलेशन बताऊंगा। दूसरा कैलकुलेशन जरूर बताऊंगा, जहां पर अगर आप अपने पैसे को LIC में ही जमा कर देते हैं और 5.5% का चक्रवृद्धि ब्याज उसके अंदर लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे LIC जीवन उमंग और जीवन उत्सव में क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनके बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, उनको कंपेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी कैलकुलेशन समझिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा अगर आपके मन में कोई डाउट है। दोस्तों सबसे पहली कैलकुलेशन हमने करी है जिसमें व्यक्ति की उम्र हमने 30 साल की रखी है, 5,00,000 रुपए का सम एश्योर्ड रखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 5 साल ही पैसे जमा कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 30 साल की उम्र में 1,17,000 रुपए और अगले 4 साल 1,14,000 रुपए सिर्फ जमा कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति की उम्र 35 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक उन्हें इंतजार करना है। जैसे ही उनकी उम्र 41 साल की होगी उन्हें साल के 50,000 रुपए गारंटेड मिलने लगेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर हमने जो पैसे जमा किए थे वो थे हमारे 5,00,000 रुपए सम एश्योर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर टैक्स वगैरह मिला के हमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने गए हैं, लेकिन जो सम एश्योर्ड है यानी कि जो 5,00,000 है उसका 10% यानी 50,000 रुपए अब हमें उम्र भर मिलता रहेगा। व्यक्ति की उम्र अभी 41 साल की है, लास्ट में देखिए 67 ईयर तक मिलता रहेगा। 67 ईयर की जो बात की कैलकुलेशन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 68 से लेके 100 ईयर्स तक सेम पैसा उनको दिया जा रहा है दोस्तों, बट एक समय के बाद में देखिए यहाँ पर नेचुरल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज जो है उम्र 71 साल की उम्र में बराबर हो जाएगी। अदरवाइज नेचुरल कवरेज से ज्यादा एक्सीडेंटल कवरेज दी जाती है इस प्लान के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस अपनी कैलकुलेशन पे चलते हैं जो कि है 30 साल की उम्र से। तो दोस्तों यहां पर आराम से इसको समझेंगे। देखिए पहले साल जब पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है तो पहले ही साल उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 7,91,000 से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्हें सिर्फ अभी 1,17,000 रुपये दिए हैं। यहीं पर एक्सीडेंटल की जो कवरेज है वो 12,91,000 से स्टार्ट हो रही है। एक्सीडेंटल कवरेज हमेशा ज़्यादा रहती है। दोस्तों ये वाला कॉलम है रिटर्न्स का, जो हमें मिलती रहेगी इनकम रेगुलर जिंदगी भर गारंटेड, ये 50,000 रुपीज़ इस कैलकुलेशन के अनुसार दिए जाएंगे। यहाँ पर लोन है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी उम्र में आप लोन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जब आपकी पेंशन चालू हो जाएगी उसके बाद कभी भी यहां से आप 2,62,000 रुपये का लोन ले सकते हैं जिसका ब्याज 9% का है सिर्फ। ठीक है, यहां पर से अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ये है कैश वैल्यू, कभी आगे चल के आपको इसको सरेंडर करने का मन किया तो आप यहां से पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर 50 साल की उम्र पॉलिसी सरेंडर करनी है, तब भी यहां से जो पैसा आपने जमा किया था यानी 5,00,000 साढ़े 5,00,000 जमा किया था, तब भी यहां से 6,00,000 रुपये 6,50,000 रुपये यहां से लेके जा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये थी सिंपल सी कैलकुलेशन। अब अगली कैलकुलेशन हम जो करेंगे इसके सेकंड ऑप्शन की करेंगे, जिसके अंदर अगर आपको पैसे नहीं चाहिए होते, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, आप मुझे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दीजिए 5.5% का। चलिए उसको भी समझ लेते हैं।
दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो पिछली वाली कैलकुलेशन हमने की थी ना, तो हमने पैसे दिए थे 5 साल, वो हम दे चुके हैं, ठीक है। अब 35 साल के बाद से हमें वेट करना था, 40 साल तक हमने वेट किया है, ठीक है। ऊपर के 5 साल जो हमने पे किए हैं वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पर पैसे पे कर दिए हैं। 1,14,000 रुपये जो पे करने थे वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। उसके बाद 35 साल से लेके 40 साल तक वेट करना, 41 साल के बाद से हमारा इनकम चालू हो जाएगा। देखिए ये कॉलम है इनकम का, ठीक है, और ये वाला जो कॉलम है ये है हम अपने अकाउंट में ही पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं पहले साल 50,000, अगर दूसरे साल देखेंगे तो यहां पर देखा जा रहा है 1,02,750 रुपए, यानी कि 5.5 का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें उसके हिसाब से दिया गया है, ठीक है। अगले साल फिर वो बढ़ता रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। यहाँ पर आप टोटल किसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात करो तो सेम चलेगा जैसे पुराने उसमें ऑप्शन नंबर 1 में था, सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप कभी भी चाहें, ये देखिए विड्रॉल अमाउंट का ऑप्शन है, कभी भी चाहें जो भी पैसा आपका जमा होता जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता जा रहा है, कभी भी आपको पैसे की जरूरत है वहां से आप 75% पैसा आराम से ले सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है 75% पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, पॉज करके देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमने बताया था कि 2,500 रुपए जमा करके आप कैसे 50,000 रुपए जिंदगी भर पा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बढ़ चुके हैं अगली कैलकुलेशन की तरफ, जहां पर हमने बताया था कि यहां पर आपको महीने के 2,500 रुपए जमा करने हैं। तो एवरेज हम मान के चलते हैं 2,500-2,700 की, जो कि आपके साल के हो जाते हैं 32,000 रुपए के आसपास है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपने जो टर्म चूज करना है वो करना है 15 सालों का। 15 सालों का आपने टर्म चूज किया, 3 साल का वेट किया है, यानी कि 18 साल टोटल आपने एक तरीके से अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया इसके अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, यहां पर 52,500 रुपए अगर मैं एवरेज लगाऊं 2,500 रुपए महीने के हिसाब से तो 50,000 होंगे, बट यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। तो 52,500 रुपए आपको हर साल मिलते रहेंगे जीवन भर। देखिए यहाँ पर जो पेंशन स्टार्ट हुई है व्यक्ति की, वो हुई है 49 ईयर के, जब 49 ईयर का व्यक्ति हो जाता तब से है, जब तक उम्र भर रहेंगे जीवित रहेंगे तब तक मिलता रहेगा, और जब इस दुनिया को अलविदा कह देंगे तो जो पैसा, यहाँ देखिए कैश वैल्यू, यहाँ पर जो पैसा है ये उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लोन कभी भी लेना तो यहाँ से आराम से लोन भी ले सकते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है दोस्तों अगली वीडियो में हम और एग्जांपल्स के साथ में आएंगे, और एक वीडियो और हम बनाने वाले हैं जिसमें LIC जीवन उमंग और जीवन उत्सव का डिफरेंस बताएंगे आपको, कौन सी पॉलिसी में क्या फीचर्स आपको मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।